अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क किनारे हमें अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके अलावा जब आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो स्टेट हाईवे है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जब काले रंग का पत्थर दिखे तो आप बड़े शहर या जिले में एंटर कर चुके हैं, और जब आपको लाल रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब यह है कि वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है और आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं, ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली है ना। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर। जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे, लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके $10-$10 में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून 700 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गाइस, कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे? अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी जेसीबी देखी है? नहीं, सवाल ये नहीं है, ऑब्वियसली आपने देखी होगी। असली सवाल ये है कि जेसीबी इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बॉमफोर्ड। अब सवाल यह है कि जेसीबी की अजीब सी फुल फॉर्म आखिर बनी कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी ने जेसीबी को बनाया था उसके फाउंडर का नाम जोसेफ साइरिल बॉमफोर्ड ही है। गाइस, आपने उल्लुओं को तो अक्सर गर्दन घुमाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान को ऐसा कर्तव्य करते देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो? गाइस, ऐसा भी एक इंसान हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लोरेलो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे और इसी वजह से उनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। बाय द वे, ये गलत धारणा है कि उल्लू ही अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं वो भी अलग अलग दिशाओं में 135 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होते हैं। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।